हाँ जी नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हलो आप सभी लोगों को। मुझसे भाइयों आज लोग पूछ रहे हैं कि ये जो हम लोग PIL जनहित याचिका डालवाए हैं, ये एंटी फार्मर जो बिल्स जो कानून पास किए हैं, ये देश विरोधी और किसान विरोधी सरकार ने, तो उसमें मोटा मोटा क्या बात है, कैसे ये जो कानून बने हैं ये किसान विरोधी हैं, इनमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेमन लैंग्वेज में सिंपल टर्म्स में जरा हमें समझाएं। तो इस वीडियो को शॉर्ट रखते 5-7 आपको मैं पॉइंट्स बता देता हूं मोटे मोटे कि क्या परेशानी है इन नए किसान विरोधी कानून के साथ और क्यों इसमें मैं और विनय भाई जनहित याचिका डालवाए हैं किसान भाइयों के लिए, और ऐसा क्यों है कि भारत के सभी किसान सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला, ये जो कानून आया है किसान विरोधी कानून, ये कानून ऑन द फेस ऑफ इट सामने से दिखाता है, कहता है कि जो मिडिल मैन है, जो बिचौलिया है, वो एलिमिनेट हो जाएगा तो इससे फार्मर का फायदा होगा। ये कानून आपको दिखा रहा है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं शैम, दिस इज अ शैम और अ मिराज। सच्चाई ये है कि इस कानून में हमने जब इसको स्टडी किया, हमने ये पाया कि ये मिडिल मैन को एलिमिनेट नहीं करेगा, ये बस इतना करेगा कि जो बिचौलिया है, मिडिल मैन है, वो अब कॉरपोरेट को जाके ज्वाइन कर लेगा क्योंकि उसको लोकल नॉलेज है, वो कॉरपोरेट के साथ मिलके और फार्मर को एक्सप्लॉइट करने वाला है। ठीक है, तो मिडिलमैन कहीं जा नहीं रहा है, बस ये है कि मिडिलमैन यहां पे पीछे से कॉरपोरेट के साथ जुड़ के और बड़े लेवल का एक्सप्लॉयटेशन करने वाला है। ये पहली बात आप लोग जाने। दूसरा, आप लोग सुन भी रहे होंगे एमएसपी होता है मिनिमम सेल प्राइस। अब समझे आप, पहले होता था, पहले के कानून में एक मिनिमम सेल प्राइस होता था जो फिक्स होता था, तो फार्मर लोगों को मिनिमम सेल प्राइस जब वो जाते थे मंडी में, APMC में जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड होते थी मंडियां, वहां पे उनको एक मिनिमम सेल प्राइस मिलता था। अब के नए कानून में APMC हटा दिया गया है, गवर्नमेंट कंट्रोल रेगुलेशन सब हटा दिया गया है, अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग होगी, APMC हट गया है, और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग में मतलब कॉर्पोरेट और फार्मर के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मिनिमम सेल प्राइस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अब जो पहले एक मिनिमम सेल प्राइस गारंटी मिलती थी हमारे फार्मर भाई को, वो नहीं मिलेगी। उसका क्रॉप कल, अगर पहले उसको गारंटी मिलती थी कि उसको क्रॉप 70 रुपए उसको मिलेगा ही मिलेगा, अब वो कोई ऐसी गारंटी नहीं है, वो क्रॉप का कल 7 रुपए भी मिल सकता है, 5 रुपए भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 75 भी मिल सकता है। तो ये मिनिमम सेल प्राइस जो हट गया है, ये बड़ा ही एक डेंजरस चीज है किसान के लिए, ठीक है, जिसका एक्सप्लॉयटेशन कॉर्पोरेट कर सकता है। तीसरी बात समझे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग आ गई है, APMC रिड्यूस हो गया है, गवर्नमेंट कंट्रोल रिड्यूस हो गया है, खत्म, रिड्यूस नहीं इनफैक्ट खत्म हो गया है, डन अवे हो गया है। इस कारण से जो कॉर्पोरेट बिग हाउसेस हैं, इन लोगों के पास तो सारा फंड्स है, सारा वेयरविथॉल है, सारा नॉलेज है, किससे डायरेक्टली डील करेंगे, किसान से। किसान के पास ना ज्यादा नॉलेज है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो एक्सप्लॉइट होगा। इनके पास नेगोशिएशन पावर ज्यादा, ये किसान से नेगोशिएट करके प्राइस डील ऐसा नेगोशिएट करेंगे जिस कारण से किसान की चांस हो सकती है बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन की। जो किसान का रेट जिसको 50 रुपए मिलता था, शायद उसको 5 रुपए में भी अपना प्रोड्यूस क्रॉप बेचना पाए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग है, कॉर्पोरेट डिसाइड करेगा, उसके पास नेगोशिएशन पावर है, कहां जाएगा किसान। एमएसपी आपने हटा दिया, आपको जो मिनिमम सेल प्राइस गारंटी थी वो किसान से हटा दिया, APMC हटा दिया आपने, हाँ आपने ये प्राइवेट मंडी में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग आपने चालू कर दी, ये सब कौन करेगा, कॉर्पोरेट। अब आप सोचिए, बड़े हाउसेस, अदानी हाउस, अंबानी हाउस, ये लोग जब डील करेंगे, नेगोशिएट करेंगे किसान से, तो किसान जीतेगा कि ये बड़े हाउसेस जीतेंगे, आप ही बताइए प्राइस नेगोशिएशन में, सोचिए इसके बारे में। चौथा बात, सरकार कहती है बिलों के अनुसार, सरकार ने बड़ा अच्छा, सरकार ने लिख दिया इन नए कानून में कि किसान अब जहां भी चाहे अपना क्रॉप बेच सकता है, हम उसको आजादी दे रहे हैं जी। तो इसको इन्होंने टाइटल कर दिया, इस तरीके से लिख दिया कि ज्योग्राफिक बाउंडेशंस और लिमिटेशंस हम हटा रहे हैं, किसान तमिलनाडु का कश्मीर में भी बेच सकता है क्रॉप, किसान कन्याकुमारी का दिल्ली में भी बेच सकता है। ये लिख के इन्होंने बड़ा खुश कर दिया, कहा हम तो किसान के फेवर में एक्ट बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं।
अब भाइयों आप ही बताओ, एक कन्याकुमारी में बैठा किसान जिसको अपना चावल गेहूं बेचना है, वो क्या दिल्ली आके अपना चावल गेहूं बेचेगा? हाँ, मतलब कोई पॉइंट है इसका? ठीक है, वेदर जहां पे आपको किसान को अगर वाकई सपोर्ट करना था और कहना था ज्योग्राफिकल लिमिटेशन हम हटा रहे हैं, तो आप फिर उसको ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी दीजिए, आप उसको स्टोरेज फैसिलिटी की कुछ फैसिलिटी दीजिए, सब्सिडी दीजिए। ये सब इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बस काम ज्योग्राफिकल लिमिटेशन हटा रहे हैं। क्या पॉसिबल है? ये भी एक किस्म का शैम है और मिराज है, फ्रॉड है, बेवकूफी, मतलब एक तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है किसान को। ज्योग्राफिकल लिमिटेशन सच तो ये है पुराने कानून में भी नहीं थी, यहाँ पे प्रैक्टिकल लिमिटेशन है कि एक तमिलनाडु में बैठा किसान हो कोई मुंबई जाके या दिल्ली आके या जम्मू जाके वो अपना सामान अपना क्रॉप नहीं बेचेगा, वो वहां ही लोकली अपना बेचेगा, नहीं तो कहाँ तक जाएगा किसान के। अगर आप वाकई आप चाहते थे फेवर करे, आप सरकार की तरफ से किसान की मदद करना चाहते थे या सरकार, तो आप किसान को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते, ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी देते, स्टोरेज फैसिलिटी देते, वहां कुछ सब्सिडी देते, वो सब कुछ नहीं किया, बस कह दिया हमने ज्योग्राफिकल लिमिटेशन हटा दी है। बिल्कुल बकवास है और शैम है। अगली बात समझे, हाँ, जो मैंने ऑलरेडी कहा एमएसपी ऑल टुगेदर हटा दिया गया है, बहुत डेंजरस है। पहले क्या होता था, सपोज मार्केट में 100 रुपए का माल बिक रहा है, किसान उसको 50 का बेच रहा है, कोई उसको एक्सप्लॉइट करना चाहे तो एपीएमसी में और गवर्नमेंट कानून के हिसाब से एमएसपी लागू होता था कि किसान का फिर भी क्रॉप 30 रुपए में बिकेगा ही, 30 से नीचे उसका माल नहीं खरीदा जा सकता है। तो जहां कोई प्राइवेट बिचौलिया या प्राइवेट प्लेयर उसका माल 20 रुपए में खरीदने की कोशिश करता था, किसान कहता था मैं तुझे बेचूंगा ही नहीं, मैं एपीएमसी में जाऊंगा, वहां जो मिनिमम एमएसपी इसके लिए सेट हुआ है 30 रुपए 35 रुपए, उस पर फिर भी बेच दूंगा। तो अगर मुझे एमएसपी एपीएमसी में एमएसपी में 35 रुपए का माल मुझसे खरीदे जा रहा है तो तेरे को मैं 25 में क्यों बेचूं? तो उससे किसान बचता था, प्रोटेक्टेड होता था। अब ये सब हट गया है, कल किसान का वही माल जो एमएसपी में 35 रुपए का बिक रहा था, कल वो 5 रुपए का भी कॉर्पोरेट खरीद सकते हैं। इस कारणवश ये बिल, ये जो कानून है, ये बड़े ही डेंजरस है और गड़बड़ है। इसी कारण से अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगले पॉइंट पे आ रहा हूं, पांचवा छठा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। जो सरकार है जब कानून पास करती है उसके बाद कानून ने कहा, सरकार ने कहा नहीं नहीं लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम क्या करेंगे कि प्राइसेस जो है उसको हम लिंक करेंगे एमएसपी से, ठीक है, हम लिंक करेंगे। अब मुझे ये बताइए, यही किसान भाई भी कह रहे हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन भी कह रही है, आप लिंक करेंगे, कानून तो आपने बना दिए, कानून में एमएसपी का कुछ नहीं आपने जिक्र किया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉर्पोरेट और फार्मर के बीच में, तो ये कहना, एक स्टेटमेंट दे देना कि हम लिंक करेंगे, लिंक क्यों करेंगे अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है और कानून में एमएसपी की बात ही नहीं हुई है, तो लिंक क्या होगी? जब अदानी साहब और फार्मर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, अंबानी साहब और फार्मर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो उसमें अदानी साहब हो, अंबानी साहब हो, जितने बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज है, जब एमएसपी का कानून में मेंशन नहीं है तो वो क्यों लिंक करेंगे? क्यों लिंक करेंगे? लिंक तब वो करेंगे जब उनको करना पड़ेगा कानूनन, और कानूनन तब जब कानून में लिखा होगा। कानून में तो एमएसपी आपने डाला ही नहीं, आपने बस एक स्टेटमेंट दे दी जब ज्यादा अल्लाह हुआ कि नहीं नहीं हम लोग लिंक कर, लिंक क्या करेंगे, कानून तो आपने पास कर दिए, कहा आपने लिंक किया। तो ये भी एक शैम है और फ्रॉड हो रहा है देश के साथ। अगले नंबर की बात बताता हूं मैं आपको। हाँ, अब ये देखिए, आप सब लोग जानते हैं भाइयों कि ब्लैक मार्केटिंग हो चाहे होर्डिंग हो, ये बड़ी डेंजरस चीज होती है, सिर्फ फार्मर के लिए नहीं, कंज्यूमर के लिए। अब ये जो नए कानून आए इसमें होर्डिंग अलाउड है, ये लोग दिखा रहे हैं फिर से एक शैम कि हम फार्मर को बेनिफिट करना चाहते हैं कि फार्मर का क्रॉप ज्यादा हो जाए तो वो होर्ड करके रखे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये कॉर्पोरेट को अलाउ कर रहे हैं होर्डिंग। अगर एक बार आपने होर्डिंग अलाउ कर दी, होर्डिंग मतलब समझते हैं, आपने एक बारे में खूब सारा माल जो है रख लिया, उसको होर्ड करके रख लिया। अब सोचिए प्याज की जरूरत है और प्याज मैंने, अब मैं अंबानी हूं अदानी हूं, मेरे पास बड़े बड़े स्टोरेज हाउसेज हैं, वहां सारी फैसिलिटी है, हीटिंग की, कूलिंग की वगैरह वगैरह स्टोरेज फैसिलिटी है, मेरा माल खराब नहीं होता है। मैंने उसको होर्ड करके साल भर का माल रख लिया, मार्केट में शॉर्टेज है प्याज की और मैंने प्याज रिलीज नहीं किया, तो वो 20 रुपए का प्याज कल 200 रुपए किलो का हो जाएगा। जब 200 रुपए किलो का हो जाएगा मेरी होर्डिंग के कारण, क्योंकि मैंने रिलीज नहीं किया, मैंने खूब होर्ड कर लिया, फिर मैं उस प्याज को धीरे धीरे रिलीज करूंगा, मार्केट में 200-220 रुपए किलो में बेचूंगा, वो प्याज जो 20 रुपए का अदरवाइज बिकता है अगर होर्डिंग नहीं होती।
ये होती है होर्डिंग। इससे एंड कंज्यूमर का नुकसान होता है। सरकार पास कर रही है आपको इस तरीके से कि ये होर्डिंग कानून में फार्मर का बेनिफिट हो जाएगा। इसमें कोई फार्मर का बेनिफिट नहीं हो रहा है। फार्मर से तो कॉर्पोरेट पहले ही खरीद चुका होगा, फार्मर के पास तो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, सारी होर्डिंग करेगा कॉर्पोरेट और प्राइसेस राइज करेंगे। उस कारण से आप और मैं जो एंड कंज्यूमर है वो इससे सफर करेंगे। 20 रुपए के प्याज कल 200-200 रुपए का पहले बिक प्राइस जाएगा क्योंकि होर्डिंग होगी, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में सप्लाई किया जाएगा कॉर्पोरेट्स द्वारा और 20 रुपए का प्याज आपको 200 रुपए किलो मिलेगा। ये होर्डिंग, ये नया कानून होर्डिंग अलाउ करता है, बताइए। और होर्डिंग से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आप बता दीजिए कहां पे होर्डिंग से फायदा हुआ है एंड कंज्यूमर का। एट द एंड ऑफ द डे भारत इज अबाउट 137 करोड़ पीपल, इट्स अबाउट 70 करोड़ फार्मर्स। ये जो बिल्स आए हैं, ये जो एक्ट बने हैं, नए कानून हैं, ये ना तो किसान को फेवर कर रहे हैं, हमारे 70 करोड़ किसान भाइयों को, और ना हम और आप एंड कंज्यूमर 137 करोड़ जनता के खिलाफ ये विरोधी कानून है, मैं आपको बता दूं। अगला और आखिरी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, मोटा मोटा जो पॉइंट्स हैं इन कानूनों में, देखिए एक टेक्निकल बात यूज हुई है, टेक्निकल टर्म है, उसको कहते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस विज शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस। इसमें जो है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फार्मर प्रोड्यूस विज शेड्यूल्ड फार्मर प्रोड्यूस। ये शेड्यूल्ड फार्मर प्रोड्यूस और फार्मर प्रोड्यूस में काफी सारी इसमें कंफ्यूजन है कि कौन सा फार्मर प्रोड्यूस में आएगा, क्या प्रोड्यूस शेड्यूल्ड फार्मर प्रोड्यूस में आएगा। और इस कंफ्यूजन के कारण, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है इन कानूनों में, हाँ, जिसके कारण से जो फार्मर भाई हैं उनका नुकसान हो सकता है, उनका प्रोड्यूस जो है वो उसको बिकने में प्रॉब्लम आएगी, कौन फार्मर में आएगा, कौन फार्मर प्रोड्यूस में आएगा, कौन शेड्यूल्ड फार्मर प्रोड्यूस में आएगा, इसमें काफी सारी दिक्कतें हैं और कंफ्यूजन है और नए कानूनों में क्लैरिटी नहीं है इन सब्जेक्ट पे। विदाउट द क्लैरिटी एंड वर्क क्या होने वाला है आपको पता ही है, कॉर्पोरेट्स तो अपनी लीगल टीम लगा के बच जाएंगे, जो बेचारा फार्मर होगा उसी का नुकसान होगा। वो फार्मर प्रोड्यूस में अपना प्रोड्यूस बेच रहा है कि शेड्यूल्ड फार्मर प्रोड्यूस में प्रोड्यूस बेच रहा है, कौन से प्रोड्यूस में उसको ज्यादा दाम मिलेगा, कौन से में कम मिलेगा, ये सारा जो जो कंफ्यूजन है कानून में उसका फायदा उठाने वाले हैं कॉर्पोरेट्स उनकी लीगल टीम के माध्यम से। बेचारा ये किसान हमारा गरीब आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको क्या पता, अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो किसान का होगा। फाइनली फाइनल पॉइंट यही है, आप सबने देखा द मैनर ऑफ पासिंग दीज बिल्स। राज्यसभा में आपको याद होगा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, मेजॉरिटी में नहीं है, इनके पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन किस तरीके से मार्शल्स बुलवा के और जबरदस्ती लोगों को बाहर निकाल के और जिस द मैनर इन विच दिस बिल वॉज पास्ड इन द राज्यसभा डिस्पाइट द बीजेपी नॉट हैविंग मेजॉरिटी वॉज अस्टॉनिशिंग। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि राज्यसभा भी पार्लियामेंट है, अपर हाउस है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक तरीके से हत्या हुई है जिस तरीके से इन बिल्स को रश रश में पास किया गया है राज्यसभा से और तुरंत प्रेसिडेंट असेंट मिला है। मोटा मोटा ये थे कुछ 7-8 पॉइंट्स जिन पे मैं आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो नए किसान विरोधी कानून है ये बहुत ही गड़बड़ है, किसान के विरोधी कानून है, ये जनता के भी विरोधी कानून है। होर्डिंग वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, इससे प्राइसेस आप जाएंगे, आप ही मेरा नुकसान होगा। और जिस तरीके से इन बिल्स को राज्यसभा में पास किया गया वो तो सबने देखा, आप लोगों ने भी टीवी में देखा होगा, बिल्कुल एक तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की हत्या हुई। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिन पॉइंट्स को अमंग अदर ऐसे 300-400 पॉइंट्स हैं जो मैं अपने PIL में रेज कर रहा हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ये शेयर करूँ। कल आपसे कोई पूछता है कि हाँ भाई तुम क्यों विरोध करते हो किसान ये बिल्स का, तुम्हें क्या कहना है, तो आप ये 7-8 पॉइंट बोल सकते हैं, हर उस इंसान को बता सकते हैं जो कि जिसको जानकारी ना हो या जो आप पे सवाल उठाए कि तुम क्यों कर रहे हो, तो आपको ये जानकारी मैंने कहा आज दे दूं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा भाइयों। आपके और भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछिएगा जरूर। और जैसे मैंने कहा मेरी ये PIL जल्द ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी
और इसमें मेरे साथ को पिटिशनर विनय भाई भी हैं जो एपीआईएल को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसको लेकर के जल्दी विनय भाई और मैं आने वाले हफ्ते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे बड़ी लेवल की। और आप लोग मेरे काम को अगर सपोर्ट करना चाहें भाइयों, तो आप लोग जानते हैं इधर या इधर मेरे संस्था के पेटीएम नंबर, बैंकिंग डिटेल्स वगैरह, पेपाल लिंक वगैरह आ रही होगी। आप इन माध्यमों से, चाहे पेटीएम हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम से, चाहे पेपाल से, आप मेरी संस्था की, मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और वीडियो में मिलते हैं जल्दी। जय हिंद और जय भारत।